हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम RF4 का 4K कैमरा अपने कंप्यूटर अपने माइक्रोस्कोप में इंस्टॉल करके देखेंगे कि इसका क्या क्वालिटी है, ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या एरर आती है, सारे डिटेल्स में जानेंगे। चलिए देखते हैं इसको, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, इसके अंदर एक कैमरा मैनुअल मिलेगा। इस माइक्रोस्कोप के कैमरे को कैसे ऑपरेट करना है, किस इसके फीचर्स क्या क्या हैं, सारे डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद एक 2.0 का केबल दिया हुआ है, ये UVC कैमरा के लिए है। एक HDMI केबल, एक रिमोट के थ्रू स्क्रीनशॉट, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टार्ट एंड बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और एक एडाप्टर, ये 12 वोल्ट और 1 एम्पियर का इनपुट देता है कैमरे को। और ये रहा कैमरा, इसके अंदर कुछ इनपुट्स दिया हुआ है, जैसे 5 से 12 वोल्ट का इनपुट, HDMI केबल के लिए इनपुट, USB केबल के लिए, और एक माइक्रो SD लगाने के लिए दिया हुआ है। इसमें कुछ बटन्स दिए हुए हैं, जैसे 1080 पिक्सल, अगर आपके स्क्रीन में कभी कुछ एरर आता है तो इसे लॉन्ग प्रेस 10 सेकंड के लिए करना होगा तो आपका एरर चला जाएगा। अगर आपको 4K वीडियो चाहिए तो इसे 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होगा, तब आपका वीडियो 4K में आएगा। तो चलिए इस कैमरे को अपने माइक्रोस्कोप में इंस्टॉल करके देखते हैं। दोस्तों, आपने जब माइक्रोस्कोप लिया होगा तो एक आपको लेंस मिला होगा जो कि है MCNCT B2/N, कुछ इस तरीके का है, ये माइक्रोस्कोप के साथ आता है। और एक की मिलेगा माइक्रोस्कोप जब आप लिए होंगे, और एक ये लेंस। चलिए इसे इसका यूज़ देखते हैं। इसे पहले टॉप कैप को खोलेंगे, खोलने के बाद ये लेंस लगेगा इसके ऊपर, इसे इस टाइट कर देंगे फिर से। ये रहा दोस्तों कैमरा के इस कैप को खोलेंगे पहले और यहाँ पे टाइट कर देंगे। और दोस्तों, ये मेरे पास एक स्विच है, बाई डायरेक्शनल स्विच। अगर आप अपने कंप्यूटर में दोनों साथ में यूज़ करना चाहते हैं तो कोई एक यूज़ होगा, आइदर कंप्यूटर आप चला पाइएगा या फिर कैमरा को ऑन कर पाइएगा। तो ये इस तरीके का स्विच है, इसमें 2 HDMI केबल लगेगा और ये CPU के साथ एक इनपुट आएगा, इसमें ये इस साइड में CPU के साथ इनपुट आएगा। जैसे अगर मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना है तो मुझे ये स्विच एक बार प्रेस करना होगा, अगर कैमरा को ऑन करना होगा तो और एक बार स्विच इसको इस तरीके से प्रेस करना होगा। तो मेरा ये कोई भी आइदर कंप्यूटर या स्क्रीन पे अपने कैमरे को देख पाएंगे। ये स्विच आपको लगभग 300 रुपये का मिल जाएगा। फ्रेंड्स, कैमरा के सभी इनपुट को मैंने यहाँ पे दे दिया है, जैसे कि ये USB केबल, HDMI और 12 वोल्ट का चार्जर सभी इसमें प्लग्ड हो गया है। सारे इंस्टॉल होने के बाद ये एक स्विच दिया हुआ है जो 1080 पिक्सल का है। अगर आपके स्क्रीन में कोई एरर आता है, वीडियो एरर, तो इसे आपको लॉन्ग प्रेस करके 10 सेकंड के लिए रखना होगा। इसके बाद एक 4K का स्विच है, अगर आपको 4K का वीडियो चाहिए तो आपको ये 10 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा, तो आपका कोई एरर आएगा नहीं। दोस्तों, मैं अभी 1080 पिक्सल में चला रहा हूँ, इसमें से अगर 4K वीडियो चाहिए तो मुझे ये 4K वाला स्विच 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होगा, तभी ये 4K में आएगा। दोस्तों देखिए, पूरा क्लीन कैमरा है एकदम, एक एक चीज़ बारीकी से दिख रही है यहाँ पे। तो आपको चिप लेवल का काम करना है तो ये कैमरा भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और जानकारी आपके काम आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।